नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज भी लोग पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं कि कितनी आस्था कितना विश्वास लेकर यहाँ पर आए हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मनप्रीत इंसा। मनप्रीत जी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा? मैम, जब से बचपन से ही नाम लिया हुआ है तब से हम यहीं पर आ रहे हैं। पहले से सारी फैमिली यहीं पर जुड़ी हुई है। कहाँ से आए मैम? सरदुलगढ़ से। सरदुलगढ़ से, हाँ जी। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, संत जी के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया 4-5 साल पहले, आपका स्टिल विश्वास यहाँ पर है? हमारे साथ चमत्कार इतने हुए मैम, हमारी फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि हम निकल नहीं सकते थे, गुरुजी की वजह से हम निकल पाए वहाँ से। क्या हुआ था मैम, क्या ऐसा आपके साथ हुआ अगर आप जनता को बताना चाहें? मेरे पापा हैं, वो पहले जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली पे जाते हैं फेरी लगाने, वैसे जाया करते थे। उनका ट्रैक्टर उल्टा हो गया था बिल्कुल, पापा ट्रैक्टर के नीचे दे ले, पापा ने नारा लगाया और पिताजी हाजिर हो गए, पिताजी के वजह से बचे वो। उम्मीद नहीं थी लोगों को, लोग खड़े देख रहे हैं चारों ओर, किसी ने हिम्मत नहीं करी, पापा ने नारा लगाया और पता नहीं कैसे पापा बेहोश हो गए। उसके बाद जब भी पापा की आंख खुली तो पापा हॉस्पिटल में थे और एक खरोंच तक नहीं थी उनके शरीर पर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम क्या बताना चाहोगी, मतलब किसका धन्यवाद करना चाहोगी? धन्यवाद तो हम गुरुजी का ही करना चाहेंगे, क्योंकि मैम ये एक छोटी सी बात थी बिल्कुल जो एक्सीडेंट वाली थी। मेरी दादी को 3rd स्टेज का कैंसर था, वो ठीक हुआ हमारे पिताजी की वजह से। अब वो भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे सेवा पे आते हैं वो लंगर घर में, उनकी शिफ्ट है, 1 हफ्ता जरूर लगा के जाते हैं। क्या मानते हो मैम आप संत जी को, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी? हमारा सारा कुछ है, हमारी दुनिया है उनके ऊपर, तो बहुत कुछ भी नहीं रह मैम, उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, सब झूठे आरोप हैं। दुनिया को मालूम नहीं है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, जितना उन्होंने हमारे लिए किया कोई नहीं कर सकता, एक बाप भी नहीं कर सकता है। क्या किया है लोगों के लिए, कदम किस तरीके के उठाए हैं? गरीबों के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स चलाए हुए हैं उन्होंने, जैसे क्लॉथ बैंक है, फूड बैंक है, ब्लड डोनेशन के लिए लोग डरते हैं कि हम कभी बीमार ना हो जाए, हम मर ना जाए। यहाँ पे लोग 3-3 महीने बाद रेगुलर ब्लड डोनेट करके जाते हैं, अगर उनको कोई कॉल भी आती है तो तब भी, चाहे कितनी भी दूर हो घर से, लेकिन अपना काम छोड़कर पहले वहाँ जाते हैं। ऐसी शिक्षा कोई नहीं दे सकता। ज़रूरत है मैम उनकी, संत जी की ज़्यादा ज़रूरत। क्यों, उनके ना रहने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? जिस बाप के बिना तो बच्चे रह नहीं सकते हैं ना। क्या अपील करोगे सरकार से? सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को बाइज्जत बरी करा जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों इनका कहना है कि पूरी दुनिया है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान इनके लिए, इनकी घर से बीमारियां खत्म हुई हैं, 3rd स्टेज का कैंसर खत्म हुआ है। इनका कहना है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की वजह से इनके फादर की ज़िंदगी वापस आई है। किस तरीके से उनका इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी वो उनको कोई चोट नहीं लगी, जिसकी वजह से, इनका कहना है कि संत जी की वजह से, उनकी आस्था विश्वास की वजह से आज वो समाज में जिंदा हैं, वो लोगों के बीच में हैं, और किस तरीके से लोगों की भावनाएं आज भी जुड़ी हुई हैं और लगातार ही आज भी डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रहे हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।